राम राम सारे भाइयों ने। आज करेंगे अपने बैक की एक्सरसाइज। आपके आगे मन बहुत सारी एक्सरसाइज करके दिखा रखी है, 15-20 एक्सरसाइज होंगी। कोई भी जो आपने ठीक लगे 4-5 एक्सरसाइज अपने हिसाब में कर सको हो। नहीं समझ में आवे नंबर आपके पास है, मैसेज करके पूछ लो। आप करेंगे भाई अपने फ्रंट लेट पुल डाउन। ये बैंड दिख रहा है, इससे इस साइड कितना ही पकड़ सको, बस बराबर पकड़ो दोनों साइड में। यहाँ पकड़ो, यहाँ पकड़ो, यहाँ पकड़ो, बराबर बैठने का भी देख रहे। ये बैठ के पैर थोच आगे साइड, ये निकलने या ये निकलने पैर आगे साइड, इसे अपना एडजस्ट कर लो, ठीक है। और पूरा अंदर ही कुछ करके बैठना है, इसमें जगह छोड़ के बैठना अपने आगे लगभग इतनी आगे जगह, ठीक है। चल भाई एक्सरसाइज देख, उठे बन आराम से बैठ, नीचे जाना है, स्क्वीज करनी है कमर पूरी, आराम से ऊपर जाना है, बस इतने हाथ पूरे सीधे नहीं हल्के से मुड़े रह गए, नीचे लाया स्क्वीज करी आराम से ऊपर, नीचे लाया स्क्वीज करी आराम से ऊपर, नीचे ले आ गए, पूरी कमर को स्क्वीज करना है आराम से ऊपर। और जब स्क्वीज करोगे एक सेकंड का होल्ड ले, पॉज ले एक सेकंड, स्क्वीज करें आराम से ऊपर,
गर्दन का स्पेशल ध्यान रखना है, ज्यादा आगे मत मोड़ देना, इससे गर्दन में दर्द बना देगी। करो आराम से करो। जब हो जाए आराम से खड़े हो जाओ। अब करेंगे भाई अपनी एंगल पूरी पुट डाउन, और इसके लिए सीधे खड़े हो जाओ। पहले चेस्ट अप करनी है, हल्के घोटे मोड़ने, आगे की साइड झुकना, यहाँ से झुकना है, यहाँ से आगे की साइड झुकी, कमर सीधी, घोड़ा नीचे सीधी रखनी, और कोने हल्की से मुड़ी हुई नीचे लाओ, आराम से स्क्वीज करो, आराम से ऊपर चलने जाओ, स्क्वीज आराम से ऊपर। जब हो जाए आराम से आगे चले जाओ। आप करेंगे भाई एंकल पुली पुश डाउन रॉक के साथ में, रॉक को बीच में से पकड़ना है। पहले अपने भाई सेम चेस्ट अप, हल्के घोटे मोड़े, आगे की साइड झुक जाओ, नीचे ले आओ, खोलते हो, आराम से ऊपर जा रहे हो, नीचे ले आओ, खोलो स्टमक स्क्वीज, आराम से ऊपर। ऊपर गया, नीचे लाए, हाथ हड़के से साइड में जाऊंगे, स्क्वीज करते हुए कमर को। जब हो जाए आराम से आगे आ जाओ इसमें भी सेम। अब करेंगे भाई वीक ग्रिप सीटेड रोइंग, अपनी जो भी बड़ा बॉडी वेट है उससे आधा वेट लगा लो उसमें, ठीक है। जेकर आपका 60 किलो है तो अपना 25-30 किलो लगा लो, 90 किलो है 40-45 किलो के आसपास लगा लो। पकड़ लिया एक हाथ से, दूसरे हाथ से ये पकड़ लो, आराम से नीचे बैठ जाओ, बैठ गए आलती पालती मार लेगी, तो नीचे ले आओगे स्क्वीज करना है, जब हाथ ऊपर जाओगे साथ में आपको ब्याह करना होगा, नीचे ले आओ स्क्वीज करो, आराम से ऊपर जाने दो। बस अपने वो काज में रह के उठाइयो भाई, कदे ओडम ओड मार दियो और फिर को भाई कमर गई, आराम से इसमें भारी उठा सको पर हिसाब में उठाना है, मेन है आराम से ऊपर जाना, नीचे ले के स्क्वीज करना, स्क्वीज नहीं करोगे फायदा नहीं है किसी भी एक्सरसाइज कर। जब हो जाए एक हाथ से ये पकड़ लो, पैर खोलो अपने, आराम से उड़ जाओ। अब कर रहे हैं भाई वी ग्रिप सीटेड रोइंग, चल भाई ये वी ग्रिप, अब बैठ जाओ भाई आराम, पीछे होकर बैठ गया, चेस्ट अप रखो, पैर रखो, चल भाई चल करो, आगे तक जाना है, खींचने दे थोड़ी देर, एक सेकंड का ये मेन है, अपने स्पाइन को एक्सटेंड करने में आपको रिलैक्स करेगी। चलो ऊपर चेस्ट अप, कंधे पीछे, अब पीछे की साइड खींचने शुरू करो, स्क्वीज करी, हाथ आगे, बस अब आगे तक जाने दे। इसमें हमने अपने दो एक्सरसाइज कंबाइन कर रखी है, एक तो ये होगी सीधा होगी, ये एक एक्सरसाइज होगी आप पीछे खींचने वाली होगी, हाथ दोबारा आगे करो, ये अलग होगी, ये हमने कंबाइन करके करवाया करूँगा बाढ़ का। चल भाई ठीक है, स्क्वीज करी कमर, आराम से हाथ आगे लिए, आराम से आगे जाने दो, बस अब करेंगे भाई फ्रंट लेट को डाउन, पहले ये ग्रिप बताई थी, अब करेंगे ये ग्रिप शोल्डर लेवल, ये समझ लो यहाँ से एक मुट्ठी का गैप, मुट्ठी बंद, देखो शोल्डर लेवल पर रखी है, आराम से नीचे ले आओ, स्क्वीज करो आराम से ऊपर, नीचे ले आओ स्क्वीज करो आराम से ऊपर।
करेंगे भाई अपनी वन आर्म पुल डाउन डी हैंडल लगा के, पहले अपने में बार थी अब डी हैंडल लगा दिया है, ये पकड़ लिया दूसरा हाथ यहाँ पे ऊपर गया हाथ नीचे ले आओगे अपनी साइड ट्विस्ट करना है, ऊपर जाओ पिछले जो हाथ को नीचे ले आओ ट्विस्ट करो, ऊपर आने दो नीचे ले आओ ट्विस्ट करो, ऊपर गया नीचे ले आओ ट्विस्ट करो, अब दूसरी साइड का भी देख लो इसी एंडल में, ये हैमर पर जैसे निकलेगी इसको आराम से उठा के डाल देते हैं, एक हाथ यहाँ पे दूसरा है ऊपर नीचे ले आया ट्विस्ट करे आराम से ऊपर किसने देखो नीचे ले आया ट्विस्ट करे आराम से ऊपर, एक बार और देख लो लास्ट स्टेप है नीचे ले आया ट्विस्ट करे आराम से ऊपर, जब हो जाए आराम से ऊपर रखे सेम एक्सरसाइज मशीन पर नीचे बैठ के भी कर सको, हैंडल लगाओ पहले एक पोजीशन कर लो फिर मुंह दूसरी साइड पकड़ के दूसरे हाथ की कर, ठीक है भाई अब करेंगे भाई अपने डेड लिफ्ट, पैरों की पोजीशन देख लो, मैं मरवाया भाई सुमो में बच्चों से पैर खोल लिए थोड़ा बराबर से चल भाई पकड़ ले बार पकड़ ली बार ये सांसें पकड़ सको दूसरे तरीके से पकड़ना चाहो तो दोनों दोनों साइड दोनों अलग साइड में पकड़ सको, ये वाली ग्रिप दोनों हाथों की ये भी पकड़ सको हो और ये भी पकड़ सको, बाकी मैं प्रेफर करूँ एक हाथ सीधा एक हाथ उल्टा, ये देख लो बड़क का पोज, उठाने से पहले पाछा नीचे होगा चेस्ट अप होगी और रोड पैर के पास हो जानी चाहिए जब उठाऊंगे, चल भाई रोड पैर के पास पहुंच गए चेस्ट अप कर आराम से ऊपर आ दे ये पूरे ऊपर आ गए, चल भाई नीचे आराम से ऊपर, ठीक है आराम से नीचे आराम से ऊपर ऊपर आ गए चेस्ट अप करने पूरे, ठीक है आराम से नीचे आराम से ऊपर, ये ज़्यादा नीचे जाना लग रहा पलक थोड़ा सा कम नीचे जाना अगली बारी, चल भाई बस आराम से ऊपर चेस्ट अप पूरे, चल योगा मारने का तरीका रखने का भी देख लो भाई आराम से नीचे जाना हिप्स नीचे ये प्रॉपर यूं रखनी है झटके से नहीं रखनी है, ये कमर का तरीका दिखा दे भाई ये गोल गोल नहीं करनी है, जब उठाओगे कमर गुड़ाई भी नहीं लेनी है, ये तो हो गया अपना तरीका उठाने का, चल ये हो गया तरीका अभी कैसे नहीं मारने को बता दे भाई, चल नीचे चल हाँ बस जैसे कमर गोड़ कर रखी है गोड़ करके मत उठाओ भाई कमर पर काबू करना है चेस्ट अप पाछा नीचे, चल भाई उठा दे हाँ ये बस हल्के गोडे मोड़ो और आगे एक साइड चेस्ट अप करके रखनी हाथ यहाँ पे पीछे ले गए स्क्वीज करना है आराम से आगे वापिस पिछले कमर स्क्वीज करी आराम से आगे पीछे ले गए कमर स्क्वीज करी आराम से आगे हाथ ये देख रहे आराम से ऊपर जा रहे हैं स्क्वीज कर रहे हैं आराम से नीचे आने लग रहे हैं सीधे सीधे पीछे ले गए कमर स्क्वीज कर दिए अपनी पूरी आराम से नीचे ठीक है ये भी कर सको और अगली पोजिशन देख लो इसी की पहली थ्री वर्स करीब अब अपने नॉर्मल करीब ठीक है भाई वापिस आगे ले गए पिछली स्क्वीज सीधे नीचे जा रहे हाथ सीधे ऊपर आ रहे लेकिन कमर का खास ध्यान रखना है कमर गोड़ाई नीचे अप रखनी है सीधी जब हो जाए आराम से सीधा होना अब करेंगे भाई अपने वन आर्म रोइंग डंबल ले लिया है एक पैर आगे एक पैर पीछे जिस हाथ में डंबल है उससे दूसरा पैर आगे ऊपर और दूसरा हाथ रखे है मशीन में नीचे गया ऊपर लाया स्क्वीज आराम से थोड़ा नीचे तक पिछले स्क्वीज आराम से नीचे तक पिछले स्क्वीज आराम से नीचे तक दूसरे हाथ का भी देख लो नीचे तक जाना है ऊपर लिया स्क्वीज आराम से नीचे तक ऊपर लाया स्क्वीज आराम से नीचे तक नॉर्मल इतना है थोड़ा सा आगे तक जाना है स्क्वीज करना है आराम से नीचे तक ऊपर ले स्क्वीज करे आराम से नीचे तक पहले डंबल अपना यहाँ पर रख लिया भाई बाद में दिक्कत नहीं होगी ये रख लिए
लेटने का तरीका देख लो, पहले एक बोला टेक लिया, फिर दूसरा टेक लिया, आराम से चेस्ट देख लिया, चेस्ट थोड़े ऊपर तक आ गए। अब आराम से डंबल पकड़ ले, कुछ ये डंबल पकड़ लिए, चल भाई अब आराम से ऊपर लेके आने डंबल, जब ऊपर आओगे चेस्ट अप करनी है, स्क्वीज कर करना है, नीचे गए सीधे हल्का सा आगे होगा, ये पूरा नीचे है, ये थोड़ा सा आगे लेके चलना है, ऊपर लिया स्क्वीज आराम से नीचे, ऊपर लिया स्क्वीज आराम से नीचे, पूरा नीचे तक जितना जा सको जाने दो, हाथ आराम से आगे तक गए, वापिस पीछे जैस पर स्क्वीज करते हुए वापस नीचे, जब हो जाए आराम से इसी पर रख लो वापस, अब करेंगे अपनी टी बार, ये रोड है अपनी, रोड लगा रखी है पीछे, दीवार में लगा सको अगर किसी के घर पर नहीं होते या जिम में नहीं होते, नहीं तो अपने पर जुगाड़ है अपना बढ़िया, इसके अंदर पाइप डाल दी पूरी, वीकरी पैंडल लिया, अब पोजीशन देख ले, पैर जमा लिए स्क्वाट की पोजीशन में, चेस्ट अप आराम से ऊपर आ गए, पकड़ लिया हल्के से घोड़े को, अब आगे जो ऊपर लेना है, कमर स्क्वीज करना है, आराम से नीचे चलना है, वापस ऊपर कमर स्क्वीज आराम से नीचे, वापस ऊपर कमर स्क्वीज करनी है आराम से नीचे, वापस ऊपर कमर स्क्वीज करनी है आराम से नीचे, करना चाहिए इसमें हल्का सा नीचे भी करके मार सको, ये भी करने के लिए ये भी कर सको, बाकी शुरुआत के लिए ये पोजीशन ठीक है, अब दिखाओ भाई सेकंड वेरिएशन नंबर, रिवर्स ग्रिप टी बार, भाई प्लेट है हमने उल्टी पकड़ ली, बस पहले पोजीशन वही रहेगी, स्क्वीज करना है आराम से नीचे, स्क्वीज करना है पूरा आराम से नीचे, स्क्वीज करना है आराम से नीचे, चाहो एक वेरिएशन ये भी हो जाएगा अपना, हमने सीधे ग्रिप करनी, पहले रिवर्स थी अब ये ले लिया, स्क्वीज आराम से नीचे, स्क्वीज आराम से नीचे, स्क्वीज आराम से नीचे, जब हो जाए आराम से नीचे रखना है, ओके अब करेंगे भाई अपना सीटेड रिवर्स ग्रिप पुल डाउन, वाइड ग्रिप में पकड़ना है अपना पूरा, इसका पकड़ के नीचे लेना है, स्क्वीज करनी है, जब हाथ आगे जाऊंगे आपको गड़का आगे तक आना है, वापिस नीचे लाए कमर स्क्वीज करी, वापिस आगे तक, नीचे लाए कमर स्क्वीज करी, वापिस आगे तक, जब उन्हें मीडियम लेवल के बच्चे हैं साइड से पकड़ना चाहे साइड से पकड़े मार सके ये वाली, पर जिसकी ग्रिप में जान हो वो हमारे नीचे छूट के पड़ जाएगी, नीचे लाए स्क्वीज करी आराम से आगे तक, नीचे लाए स्क्वीज करी आराम से आगे तक, इसमें हाथ नीचे लाओगे तो थोड़े चौड़े पड़ेंगे, बस ये ध्यान रखना है, जब हो जाए बस एक पकड़ लो हाथ यहाँ पे आराम से उड़ जाओ, लो बैटरी 10% होगी पर, अब अपना करेंगे वन आर्म रोइंग, एक और वेरिएशन आ गया है इसमें, अपना मशीन से डी हैंडल पे पकड़ लिया अपना हैंडल, जो हैंडल पकड़ा है उसे दूसरा पैर आगे और उसका पैर नीचे की साइड, पीछे तक जाना है स्क्वीज करना है आगे तक, पीछे लेना है स्क्वीज करना है आराम से आगे तक, करने के लिए आप चाहो इसको आगे तक ये भी कर सको, बाकी ये करो बस अभी के लिए, पीछे लाया स्क्वीज करा आराम से आगे तक, पीछे लाया स्क्वीज करा आराम से आगे तक, और थोड़ा सा चाहिए अब ड्रॉइंग करेंगे डी हैंडल से अपनी मशीन के साथ, जो इस हाथ से हैंडल पकड़ा है उसे दूसरा पैर आगे रखना है, उस पैर का घोड़ा नीचे आगे गया, पीछे लाया स्क्वीज करा आराम से आगे तक,
पिछले स्क्वीज करें आराम से आगे तक, पिछले स्क्वीज करें आराम से आगे तक। एक बार और देख लो, स्क्वीज कराया है पीछे, आगे गया आराम से। केवल लास्ट स्टेप जब हो जाए आराम से आगे लगे। यह है भाई अपनी लास्ट एक्सरसाइज हाइपर एक्सटेंशन। इसने हफ्ते में दो बार भी मार सके, जैसे थाई वाले दिन भी मार लियो और बैक वाले दिन भी। कमर में थोड़ा बहुत दर्द है तो भी मार सको, रिलैक्स हो जाएगी कमर थोड़ी सी अपनी। हैंडल पकड़ लिए, पैर पीछे लगाया, आगे तक हो गए, बस आराम से नीचे जाओ, ऊपर आओ, चेस्ट अप, कमर कर्व करनी थोड़ी सी। और आए कमर करो करी आराम से नीचे तक जितना जा सको। ऊपर आ गए, कमर करो करी दोबारा देख लो, फिर नीचे जितना जा सको, जबरदस्ती नहीं करना है, आराम से ऊपर। जब हो जाए हाथ यहां पर रखो, आराम से उड़ी लो। तो सारे वीडियो देख लियो भैया ने, तो ये अपने चैनल का नाम है, ऊपर देख लो भाई, शैडो फिटनेस हर मोटो से बदलो। यूट्यूब पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी है, मेरी शक्ल दिख जाएगी, मेरी वीडियो होंगी, देखो समझ आओ। बाकी अपने जिम के बड़का की वीडियो, उसमें बढ़िया लागे अपना लाइक कर दियो, शेयर कर दियो, सब्सक्राइब जरूर कर दियो।